पुस्तक का नाम गायत्री के जगमगाते हीरे, लेखक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, ऑडियो 8। भर्गो, निष्पाप बनने की प्रेरणा। भर्गो व्याहरते पदम हि नितराम, लोकः सुलोको भवेत्। पापे पाप विनाशने त्वितरं दत्तावधानो वसेत्। दृष्ट्वा दुष्कृति दुर्विपाक निचयं तेभ्यो जुगुप्सेद्धि च तन्नाशाय विधीयतां च सततं संघर्षमेभिः सह। अर्थ, भर्गोः पद यह बताता है कि मनुष्यों को निष्पाप बनना चाहिए, पापों से सावधान रहना चाहिए, पापों के दुष्परिणामों को देखकर उनसे घृणा करें और निरंतर उनको नष्ट करने के लिए संघर्ष करते रहें। गायत्री का चौथा पद भर्गो मनुष्य जाति के लिए एक बड़ी ही महत्वपूर्ण शिक्षा देता है। वह शिक्षा है निष्पाप होना। पाप का अर्थ है बुरा। बुराई माने वे कर्म जो करने योग्य नहीं है। इस दृष्टि से वे सभी शारीरिक मानसिक क्रियाएं पाप की श्रेणी में आ जाती हैं, जिनसे मनुष्य के व्यक्तिगत या सामूहिक जीवन में दुष्परिणाम उत्पन्न होते हैं। पाप का फल दुख होता है। इस बात को साधारणतः सभी लोग जानते हैं, फिर भी बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पापों से बचने का प्रयत्न करते हैं। दुखों से लोग डरते हैं, परंतु दुखों के कारण पाप को नहीं छोड़ते। ऐसा ही है जैसे कोई अग्नि तो हाथ पर रखे पर झुलसने से बचना चाहे। देखा जाता है कि अधिकांश मनुष्य ऐसे ही बाल क्रीड़ाओं में व्यस्त रहते हैं। महर्षि व्यास ने लोगों की इस मूर्खता पर आश्चर्य प्रकट किया कि वे दुख को न चाहते हुए भी पाप करते हैं, और पाप के अतिरिक्त भी दुख का कोई अन्य कारण हो सकता है। पर यह निश्चय है कि पाप की प्रतिक्रिया दुख के अतिरिक्त और कुछ नहीं हो सकती। बुरे कर्म का फल बुरा ही होगा, भले ही वह आज हो या कल। इतना होते हुए भी लोग पाप करने से बाज नहीं आते। इसका कारण वह भूल है जिसे शास्त्रीय भाषा में माया, भ्रांति, अविद्या, असूया आदि नामों से पुकारा जाता है। भर्गः शब्द हमें सचेत करता है कि यदि आपत्तियों से बचना है तो पाप रूपी सर्प से सावधान रहना चाहिए। कई लोग सोचते हैं कि धर्म का पुण्य का आचरण बड़ा कठिन है। यह मान्यता ठीक नहीं। सदा ही सत्य सरल और असत्य कठिन होता है। झूठ बोलने में, बेईमानी में, ठगने में, व्याभिचार में, चालाकी, चतुराई, होशियारी, पेशबंदी में, तैयारी आदि की बड़ी आवश्यकता पड़ती है। थोड़ी से भी चूक हो जाने पर भेद खुल सकता है और निंदा तथा दंड का भी भागी होना पड़ता है। इसके विपरीत सच बोलने में, पूरा तोलने में, ईमानदारी बरतने में, सदाचारी रहने में किसी खटखट की जरूरत नहीं। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी इन बातों में किसी प्रकार की कठिनाई अनुभव नहीं करता। उचित और आवश्यक चीजें सर्वत्र सुलभ हैं और अनुचित तथा अनावश्यक चीजें दुर्लभ हैं। हवा, पानी, अन्न, वस्त्र आदि आवश्यक चीजें सर्वत्र सुलभ हैं। विष आदि अनावश्यक चीजें दुष्प्राप्य हैं। गाय, भैंस, बकरी, घोड़े आदि उपयोगी पशु आसानी से मिल जाएंगे। सिंह, व्याघ्र आदि हिंसक पशु कहीं कहीं कठिनाई से देख पड़ते हैं। इसी प्रकार लाभदायक पुण्य कर्म सर्वथा सुलभ हैं। इसके विपरीत हानिकारक दुखदायी पाप कर्मों की व्यवस्था बड़ी चालाकी और कठिनाई से बन पड़ती है। जो धर्म पालन की, पुण्य संचय की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह सब बहुत ही सुलभ है। गायत्री का भर्गः पद हमें निष्पाप बनने की शिक्षा और स्फूर्ति देता है। इस प्रेरणा से बल लेकर यदि पवित्रता की दिशा में हमारा प्रयत्न जारी रहे तो संसार के समस्त कष्टों एवं भव बंधनों से छूटकर हम जीवन मुक्ति का स्वर्गीय आनंद प्राप्त कर सकते हैं।